नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज लद्दाख दौरा। लद्दाख के उपराज्यपाल मिश्रा ने थाइस एयरफील्ड पर मुर्मू का किया स्वागत। द्रौपदी मुर्मू आज सियाचिन का भी दौरा करेंगी। उपराज्यपाल ने ऐतिहासिक मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को दी बधाई। बोले, मतदाताओं की लंबी कतारों ने विरोधियों को दिया करारा जवाब। उन्होंने चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स की भागीदारी की सराहना की। स्मृति ईरानी ने कहा, एनसी कांग्रेस ने अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लाया। प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के भी प्रयास जारी। डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ को किया गया निलंबित। मसूद अहमद काजी पर बिना अनुमति लिए मुख्यालय से बाहर जाने पर हुई कार्रवाई। एडिशनल डीसी किश्तवाड़ से एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पहली छंब, दूसरी रामगढ़ और तीसरी रैली आरसपुरा में होगी। योगी बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। नेका उम्मीदवार राजेश पड़गोत्रा ने सरोर में जनसभा को संबोधित कर मांगे वोट। पड़गोत्रा ने डेली बेजरों से नेका कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट डालने की अपील की। बोले, पिछले 10 सालों से आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में अखनूर के युवक ने जीते 1 करोड़ रुपए। 22 वर्षीय चंद्र प्रकाश यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस सीजन में चंद्र प्रकाश करोड़पति का खिताब जीतने वाले पहले प्रतियोगी। भाजपा उम्मीदवार चंद्रप्रकाश गंगा ने विकास के नाम पर मांगे वोट। विजयपुर विधानसभा के ठलोरा कोठी पंचायत में बैठक कर लोगों को किया संबोधित। बोले, भाजपा की सरकार बनने पर क्षेत्र की हर समस्या को करेंगे दूर। मेंढर के मुख्य बस स्टैंड के पास दुकान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। पीड़ित सईद हैदर अली शाह ने प्रशासन से मांगी मदद। जम्मू संभाग के निजी स्कूलों का मेगा इवेंट आयोजित। इस दौरान जम्मू क्षेत्र के निजी स्कूलों के 113 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। वक्ताओं ने चुनौतियों और उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट पर रोशनी डाली। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज दोनों तरफ से खुला। हाईवे के दोनों तरफ LMB और HMB को छोड़ा जा रहा। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। सेठी ने बीजेपी को वोट डालने की अपील की। बोले, जम्मू कश्मीर में फिर बीजेपी की ही सरकार बने। पनन कश्मीर ने जम्मू में की पत्रकार वार्ता। बोले, जम्मू कश्मीर के चुनावों में अलगाववादियों को किस हक से चुनाव लड़ने की मिली अनुमति। का संविधान की कौन सी धारा के तहत उन्हें चुनाव लड़ने की दी परमिशन। जम्मू में संध्या स्वीप मशाल यात्रा निकाली गई। DC जम्मू द्वारा यात्रा को दिखाएगी हरी झंडी। इस यात्रा का मकसद मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करना। जम्मू कश्मीर में आगामी कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की। फिलहाल टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुलडोजर मशीन करती है उसे आसान। बुलडोजर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल। यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुलडोजर मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450, फ्रंट एंड लोडर HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।